हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह अभी आपने मेरा एक वीडियो देखा है जो कि चैलेंज वीडियो था। पता नहीं क्या हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कभी कभी। आप लोग के साथ भी होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा मुझे। और आज दिन है ट्यूसडे और सुबह एक वीडियो आ चुका है, वो मैंने खुशबुदी के साथ चैलेंज वीडियो किया था। देखा कि नहीं ज़रूर कॉमेंट करिएगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। और आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ अपने कपड़ों का कलेक्शन, क्योंकि आप लोग ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए कि दी आप अपने कलेक्शन दिखाओ। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आपको अपना वेस्टर्न वेयर वाला ड्रेस दिखाती हूँ, टॉप वॉप सारे दिखाती हूँ, जीन्स हो गई, बॉटम वेयर और टॉप वेयर, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बात बता देती हूँ कि मेरे यहाँ पे सारे कपड़े नहीं हैं। मेरे आधे कपड़े मेरे मायके में रखे हुए हैं और आधे कपड़े मेरे ससुराल में हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो सारा ऐसा नहीं था कि हमें यहाँ पे ही रहना है, कुछ टाइम के लिए आए थे हम लोग, लेकिन वो धीरे 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 पोस्टपोन होता जा रहा है और अभी ये वायरस चल रहा है उसकी वजह से हमारा जाना भी कैंसिल हो गया है। इसलिए मैं आपके साथ जो कपड़े शेयर कर रही हूँ वो मेरे आधे अधूरे ही कपड़े हैं, आप ये समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वार्डरोब खोलते हैं और आपको मैं एक एक टॉप दिखाती हूँ वो कैसा है, कहाँ से लिया है। अगर मुझे याद होगा वो कहाँ से लिया तो ज़रूर मैं बताऊँगी, कौन से ब्रांड का है ये भी बता दूँगी। तो चलिए फ़ोन ट्राईपॉड पर सेट कर देती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बाहर ही निकाल लेती हूँ और फिर मैं उसको अरेंज करके फिर से अंदर सेट कर सकती हूँ। तो ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा येलो कलर का टॉप जो कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, और ये है ओनली ब्रांड का जो कि मैंने शॉपर्स टॉप से लिया है। ये देखिए, मुझे जिसकी जिसकी पिक्चर मिलेगी ना वो मैं यहाँ कहीं पर इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये एक टॉप है। दूसरा टॉप है, ये है 109 फॉरेनहाइट का, ये ब्लैक कलर का है। इसकी जो ये डिटेलिंग है बहुत ही प्यारी है, सुंदर सी है, और ये ना तो स्लीवलेस है ना स्ट्रैप है, बट बहुत सुंदर लगता है, एलिगेंट सा है। तो जो ये नेक्स्ट टॉप है ये है मेरा ब्लैक वाइट कलर का, और ये कोराज ब्रांड है ना, ये उसका है। और जब मैं अंधेरी में रहती थी ना तब मैंने ये अंधेरी वाले शॉपर्स टॉप से लिया था। ऑफ शोल्डर कोल शोल्डर है और बहुत ही प्यारा लगता है, आपने मेरे वीडियोस में इसे देखा होगा। तो नेक्स्ट टॉप जो है वो है ये नेवी ब्लू कलर का, और ये है वैन हुजेन का, और ये भी बहुत सैटन का कपड़ा है, बहुत ही लाइट वेटेड है, पहनने के बाद बिल्कुल हैवी नहीं फील होता है। तो अभी मैं नीचे डालती जा रही हूँ, फिर मैं इनको फोल्ड करके अच्छे से सेट करूँगी अपनी वार्डरोब पे। नेक्स्ट है ये मेरा, ये भी ओनली ब्रांड का ही है और ये भी मैंने अंधेरी वाले शॉपर्स टॉप से ही लिया है। तो ये देखिए, आप देखेंगे तो ये नेट का है, नेट का आगे का कपड़ा है और पीछे ये बनियान कपड़ा है, लेकिन बहुत ही लाइट वेटेड और बहुत ही अच्छा है, पहनने पर भी बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट है वेरोमोडा का है, पीच कलर, पिंकी पीच बोल सकते हैं, और ये है कोल्ड शोल्डर, कोल्ड नहीं सॉरी, ये है ऑफ शोल्डर। ये देखिए, ये इस तरह से आता है आपके ऑफ शोल्डर पे ऐसा, और यहाँ पे कुछ नेट लगी हुई है, फ्रिल बनी हुई है, तो अच्छा सा है, इसका स्लीव्स आता है। और एक तो आप देख ही रहे होंगे मैंने पहन रखा है, ये है एकदम रेड कलर का, 109 का है ये भी। और नेक्स्ट है ये येलो कलर का, ये है लाइव का, ये भी शॉपर्स स्टॉप की ही ब्रांड है, लाइव ब्रांड, लाइव कोई ब्रांड होगा उसका। ये देखिए, यहाँ पे ऐसी डिटेलिंग है लेस की, तो काफ़ी अच्छा लगता है, स्ट्रैप वाला है। गोवा ओवा जाइए तो आप इस तरह से बीच बीच पे पहन सकते हैं। दूसरा जो है, अब नेक्स्ट टॉप है मेरा, ये है वेरोमोडा का, और मेरे जितने भी टॉप हैं वो या तो मीडियम या तो लार्ज होते हैं। लार्ज बहुत कम ब्रांड के होते हैं, ज़्यादातर मेरे मीडियम ही लगते हैं। तो नेक्स्ट ये है, ये पहनने के बाद ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, स्ट्रैप वाला है, आप इसे चाहें तो आप इसे को ऑफ शोल्डर भी बना सकते हैं, ये इस तरह का है। तो अगर आप कभी बीच बीच पे जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये भी ओनली ब्रांड का ही है,
ये मेरा सारा जितना अभी तक मैंने आपको दिखाया सब शॉपर स्टॉप का ही है। वैसे मैं लोकल मार्केट से भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लोकल मार्केट से नहीं लेती हूँ, जब मुझे जहाँ से जो पसंद आ जाता है वो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए, ये है कोल्ड शोल्डर, आपने मेरे टॉप मेरे वीडियोज़ में और ब्लॉग्स में देखा होगा। ये देखिए ऐसा है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको एक जंप सूट दिखाऊंगी जो कि है 109 फॉरेनहाइट का। जी हाँ, ये है जंप सूट, इसका फोटो पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा है ये जंप सूट, ऐसा ये डार्क नेवी ब्लू कलर का है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद है ये। तो नेक्स्ट टॉप की बात करें तो ये है मेरा, ये भी 109 फॉरेनहाइट का ही है और ये पूरा नेट का है, ट्रांसपेरेंट। ये देखिए, आप इस आपको इसके नीचे स्पैगेटी पहनना होगा अगर आप नॉर्मल डेज में पहनते हैं, और अगर आप कहीं बीच बीच पे जाते हैं गोवा जैसी जगह पे तो आप इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हैं, वहाँ पे सभी लोग ऐसे पहनते हैं इसको। तो नेक्स्ट है मेरा अगेन ओनली ब्रांड का, ये ब्लैक कलर की प्लेन टी शर्ट है जिसमें कि पुलिस लिखा हुआ है, तो ये एक टॉप है। नेक्स्ट है ये है लैटिन क्वार्टर का, आपने देखा होगा मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे वाले ब्लॉग में ये टॉप पहना है, ये बहुत ही एलिगेंट सा बहुत ही सुंदर सा टॉप है। ये देखिए इसमें ऐसे ऐसे करके डिटेलिंग है स्टार्स की, तो बहुत सुंदर लगता है। इसका बैग बहुत प्यारा सा है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट है ये देखिए, ये कुर्ती टाइप्स है, मतलब शॉर्ट जैसे कुर्तियाँ होती है ना, तो इसमें की दो कुर्तियाँ मैंने लिया था कुछ 7-8 महीने पहले। ये देखिए ऐसी, तो इसको आपने देखा होगा कई ब्लॉग्स में मैं पहनती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। बस एक बात है, जब मैंने इसको पहली बार वॉश किया, ये है शॉपर स्टॉप का ही, लेकिन जब मैंने पहली बार इसको वॉश किया तो ये श्रिंक कर गया, तो मैं इसका साइज़ लेकर के आई थी लार्ज, ठीक है, और ये हो गया है मीडियम। तो कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बड़े साइज लगते हैं पर वो छोटे हो जाते हैं, लाइक दिस, तो ये छोटा हो चुका है बट पहनने में अच्छा है, मैं उसको पहनती हूँ। और अब बात करते हैं श्रग की, तो ये देखिए ये भी मेरा श्रग है जो कि बहुत टाइम पहले चलता था, ये बहुत टाइम मेरा शायद 5-6 साल पुराना श्रग है, तो मैं इसको कभी कभी डालती हूँ। नेक्स्ट मेरा ये है श्रग जो ये, हाँ ये मैंने लिया था लोकल मार्केट से, कहीं से तो लिया था, याद नहीं है मुझे कहाँ से लिया था। और ये है मेरा एक और श्रग है वाइट कलर का, तो दो श्रग आपके पास ज़रूर होने चाहिए, एक वाइट और एक ब्लैक कलर का जो सारे ड्रेस में चल जाए। तो एक ये है, बहुत प्यारा सा है, नेट का है, ये मेरा शॉपर स्टॉप का है। और नेक्स्ट टॉप आ गया है, तो टॉप मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने प्रिंट करवाया था अपनी फैमिली, पूरा जो होता है ना कस्टमाइज टॉप टी शर्ट बनते हैं, तो ये है मेरा क्वीन का, मेरे हस्बैंड का है किंग का। और तो नेक्स्ट टॉप ये हो गया जो बहुत कम पहनती हूँ मैं, तो अगेन एक और श्रग आ गया है, ये भी है 109 फॉरेनहाइट का, ये भी शॉपर स्टॉप का से ही लिया है, बहुत सुंदर सी कोटी है, तो इसको मैं कई टॉप के साथ वेयर करती हूँ। ये है। एंड अब बात करते हैं अपने वन पीस ड्रेस की, तो मैंने सारे वन पीस ड्रेस घर जाके मैं रख आई थी, अभी मैं जनवरी में गई थी, तो अभी मेरे पास सिर्फ 3 वन पीस हैं, तो उसमें से एक ये है, ये है एले का, ये है इसका नेट जो है वो एकदम चिपका हुआ है, पीछे से ऐसे करके डोरी लगी हुई है, फुल स्लीव्स है, ग्रीन कलर का है और ये नी लेंथ का है, तो इसको मैं एज अ कुर्ती भी पहन लेती हूँ और एज अ वन पीस भी पहनती हूँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मेरी ब्लैक कलर की वन पीस फ्रॉक ड्रेस, ये देखिए ये भी 109 फॉरेनहाइट है, ये देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, तो ये फ्रॉक है, बहुत प्यारी सी है, इसका कपड़ा जो है बहुत अच्छा है, पहनने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एक और मेरे यहाँ पे वन पीस है जो मैं रखी हुई हूँ, ये है ऑरेंज और ब्लैक कलर की, ये भी 109 की है और दोनों मैंने एक साथ ही लिया था, ब्लैक वाला फ्रॉक और ये वाला ड्रेस, ये स्ट्रेट है एकदम, जैसे करीना कपूर नहीं पहनती है वन पीस ड्रेस टाइप्स, ये उसी टाइप का है और बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत प्यारा है, सोबर सा है, अगर आप कहीं डिनर पे जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो तो इस तरह का ड्रेस आप पहन सकते हैं। तो ये तो मेरा हो गया। एक और, ये है वेरोमोटा का है, ब्लैक कलर का है, मुझे ब्लैक कलर अच्छे लगते हैं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है ब्लैक, तो मेरा भी ब्लैक फेवरेट है, तो मैं ब्लैक लेती रहती हूँ। ये देखिए ये वेरोमोटा की टॉप है और बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में डेली पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारे ऐसे टॉप हैं जो मैं डेली वेयर में निकाल चुकी हूँ, तो उसे मैं क्या आपके साथ शेयर करूँ, मुझे नहीं लगता वो शेयर करके कोई फायदा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अपना बॉटम वेयर, जिसमें आपके पास एक ब्लैक जीन्स होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरी ये ब्लैक जीन्स ये है, ये मेरी
हाँ 3-3.5 साल पुरानी जीन्स है, ब्लैक कलर की है, कोराज ब्रांड की है, ये भी मेरी शॉपर स्टॉप की है, तो ये मैंने मुंबई यहाँ अंधेरी से लिया था। अगेन ये मेरी कोराज ब्रांड ही है। एक वाइट पैंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक ये हो गया। और नेक्स्ट है मेरी एक ब्लू जीन्स है जो कि ली की है, तो ब्लू जीन्स भी होना आपके पास ज़रूरी है। ये देखिए ऐसे शेडेड है, बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद, तो एक ये हो गई। नेक्स्ट है आजकल वो बीच में चला था ना फटी फटी टाइप जीन्स जो थी वो बहुत चली थी, तो मैंने एक डील की जीन्स है ये, और डील ब्रांड में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिलते हैं, तो मैंने एक ये लिया था। ये भी मेरी 3-4 साल पुरानी जीन्स है। इधर मैंने जीन्स बिल्कुल परचेज नहीं करी है, मेरी 5-6 जीन्स जो मैंने यहाँ पे रखी है वो मेरी पुरानी ही जीन्स है 2-3 साल पहले की। तो ये देखिए ऐसा है, ये डील की है। नेक्स्ट है एक ये पैंट है जो कि इस कलर का पैंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ट्राउज़र होना चाहिए, तो ये आपको सारे ड्रेसेस पे चलता है। तो मेरे पास एक ये है, ये मैंने मिरर से लिया था आई थिंक, हाँ ये मैंने मिरर से लिया था। ये तो हो गई जीन्स और पैंट। एक और ये है, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये है ओनली का क्या बोलते हैं उसको, जेगिंग। तो जेगिंग भी आपके पास होना चाहिए, जीन्स तो ब्लैक होती ही है अच्छी बात है, बट एक ब्लैक जेगिंग भी होनी चाहिए, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तो आप बहुत इजीली इसको वेयर कर सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हैवी सा फील हो रहा है। तो एक मेरे पास ये ब्लैक जेगिंग है। तो ये सारे टॉप जो हैं आपको आप गर्मी में पहन सकते हैं, मतलब एक अगर वुलन टॉप की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक वुलन टॉप है जो कि बहुत ही प्यारा सा है। ये देखिए आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं कैसी है, और मुझे बहुत पसंद है। ये भी वेरोमोडा का है, ये देखिए, ठीक है। और इसकी स्लीव्स जो हैं बहुत सुंदर सी हैं, और इसमें का एक एले का और टॉप है जो मैं यहाँ नहीं रखी हूँ, मैं घर में जा कर के रखाई उसको, उसकी पिक्चर होगी तो मैं यहाँ कहीं पे इंसर्ट कर दूँगी। तो ये थे मेरे कुछ टॉप का कलेक्शन जो कि मैंने यहाँ पे रख रखा है, और बाकी घर के डेली यूज़ में मैंने बहुत सारे टॉप निकाल लिए हैं, वो सब मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। जैसे कि जो मैंने अभी आपको एक कुर्ती दिखाई ना, उसमें का एक टॉप और है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैंने एक साथ ही परचेज किया था, और दोनों ही मैं इसको घर में डेली व्लॉगिंग करते टाइम पहन लेती हूँ, तो ये मैंने निकाल लिए हैं डेली यूज़ में। कपड़ों को अरेंज कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक जो है वो एक साथ रख रही हूँ, ब्लू एक साथ और वाइट एक साथ। तो मैंने अभी ब्लू रख दिया है, और अब मैं लगाने जा रही हूँ येलो वाले। तो चलिए येलो वाले जो ड्रेसेस हैं उनको एक साथ सेट कर देती हूँ, रख देती हूँ। एक ये भी है, ली की जीन्स ही है, ये मेरे हस्बैंड के साइड पे रखी रह गई थी, तो ये भी ब्लू कलर की है, और आजकल वो जो बीच में चली थी ना फटी फटी वाली जीन्स, तो मुझे भी थोड़ा शौक चढ़ा था तो ये मैंने ले लिया था। तो एक ये जीन्स भी है, तो अगर आप फैशनेबल हैं, फैशन पे के साथ चलना चाहते हैं, तो एक इस तरह का जीन्स भी आपके पास होना चाहिए, ये मस्ट है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा छोटा सा कलेक्शन मेरे वेस्टर्न वेयर के कपड़ों का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मैंने कुछ चेंज कर दिया डेली ब्लॉग से, और आप लोग बहुत दिनों से कह भी रहे थे कि मुझे अपना कलेक्शन दिखाइए, इसीलिए तो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब मैं खोल रही थी ना अपनी वॉर्डरोब, तो मैंने सोचा चलो सब अच्छे से अरेंज ही कर देती हूँ, तो मैंने पूरा वॉर्डरोब अपना अरेंज कर दिया है, ठीक कर दिया है। चलिए इसी के साथ अब ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको कलेक्शन देखना है, ऐसा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।